हेलो एवरीवन वेलकम टू यू यूट्यूब चैनल अका एडुकेशंस मैं बंदना सरकार uh, मैं फिर से आ गई हूँ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की जो मैं पढ़ा रही थी उसकी ही कंटिन्यूएशन के लिए uh, आप क्लासिफिकेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की जो मैंने पहले और भी दो वीडियोस बना के रखा हुआ है आप प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो फर्स्ट क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी जो चार बेसिस है उसकी जो दो दो ऑलरेडी टाइप्स करवा के रखा हुआ है आज मैं जो लास्ट दो बचे हुए हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो पहले जाइए और वो वीडियोस देखिए देन यू कम टू दिस वीडियो देन आप ज्यादा तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे सो लेट स्टार्ट जो पहले का जो दो वीडियोज है दैट इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज वी हैव फिनिश्ड एंड देन इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल ये भी हम लोगों का फिनिश है जो दो टॉपिक्स हम लोग आज अच्छा कवर करेंगे जो दो कैटेगरीज दैट इज इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप तो पहले हम लोग करेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट एंड प्रोडक्ट ये क्या होता है कुछ कुछ इंडस्ट्री ऐसा होता है uh,

टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वो तो रॉ जाता है क्योंकि वो वो मशीन से लाइक जो उसको बनाते हैं और वो क्लोथ्स क्या होता है लास्ट कंज्यूमर्स वो खरीद लेते हैं तो बेसिक इंडस्ट्रीज उसे ही बोला जाता है जो इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल खुद बनाता है जैसे कि एग्जांपल इज आयरन एंड ओर And next is, जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करेगा टी सोप्स टॉयलेट्रीज पेपर्स टेलीविजन एवरी थिंग वो टोटली डिपेंड अपन कंज्यूमर्स वो खुद के लिए लाइक like नहीं होता है दूसरे इंडस्ट्री के लिए कोई लाइक रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता ये टोटली डिपेंडेड अपन लाइक कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर वट एवर लाइक दे आर डिपेंडिंग अपॉन लाइक कंज्यूमर्स ओके Next one is industries based on ownership. A industries based on ownership is uh, categorized on three types that is, first one is public sector industries, second one is private sector industries, third one is joint sector industries. What is public sector? Public sector means two se industries. टोटली गवर्नमेंट के अंडर में होता है लाइक पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स ये जो टोटली मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं जो इंडस्ट्रीज ये ये सब इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत देखा जाता है बहुत सारी सोशलिस्ट कंट्रीज़ जैसे कि चाइना वियतनाम इन सब चीज़ों में लाइक स्टेट ओन्ड बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं एंड कई कई जगह पे लाइक मिक्स इकोनॉमी जहाँ पे होता है वहाँ पे लाइक पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक साथ में भी देखा जाता है नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर मतलब जो जो इंडस्ट्री खुद लाइक इन्वेस्टर्स इंडिविजुअली बनाते हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो चलाया जाता है ये बेसिकली जो कैपिटल कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका जहाँ पे लाइक फ्री फ्री इकोनॉमी है जहाँ पे लाइक like लोगों की परचेसिंग पावर बहुत हाई है वो सब जगह पे देखा जाता है एंड नेक्स्ट वन इज ज्वाइंट सेक्टर ज्वाइंट सेक्टर इज जहाँ पे लाइक पब्लिक गवर्नमेंट और प्राइवेट जो इंडिविजुअल दोनों मिलकर जब कोई इंडस्ट्री को चलाते हैं उसे बोलता है जॉइंट सेक्टर हम लोग की इंडिया में भी अभी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है जो कि एक बहुत बड़ा दैट इज मारुति सुजुकी जो प्राइवेट लिमिटेड है वो मारुति सुजुकी उद्योग आई थिंक बोलते हैं वो एक जॉइंट सेक्टर है वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के द्वारा ही चलाया जाता है आई थिंक जो ये जो टोटल जो टॉपिक था मैनुफैक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये आई थिंक ये तीन लेक्चर्स में आई थिंक क्लियर हो गया होगा सो so, आप लोगों को प्लीज़ जो तीन वीडियोस मैंने अलग अलग बनाए हैं आ, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी टॉपिक था इसीलिए मैंने एक इसको पूरा डिवाइड करके अच्छे से डिस्कस करने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके लेक्चर दिया हुआ है ज़्यादा टाइम नहीं लिया हुआ ताकि आप लोग बोर ना हो जाए तो आप लोगों को शायद अच्छा लगे आई होप आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे और समझ जाए और आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ लगे प्लीज़ कमेंट भी लो मैं कोशिश करूँगी उसके आंसर देने की आप लोग अच्छे से समझाने के लिए एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू